जय श्री राम भाई सबको। चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। एक लॉग इन फॉर्म बनाना या फिर एक फॉर्म बनाते हैं हम जिससे अपना अकाउंट क्रिएट होगा, क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म। और ये जो फॉर्म है बनाएंगे हम ओनली HTML से। तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फायर किड 1.0। इस पर हम जैसे कि आपने वीडियो देख रखी होंगी उसी से रिलेटेड, जैसे HTML की वीडियो देखी होंगी आपने, HTML से फॉर्म भी बनाए थे। तो HTML से अब हम एक डेडिकेटेड फॉर्म बनाएंगे, उसमें HTML के ओनली टैग यूज़ होंगे, ना उसमें CSS यूज़ होगी ना JavaScript यूज़ होगी। ठीक है, तो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद के फाइल बनाते हैं अपनी, वैसे इंडेक्स के नाम से बनी हुई है, index.html। तो index3.html बनाते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। आप टाइटल में कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, जैसे हमने यहाँ पे टाइटल में नाम दे दिया। और अब यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के अंदर आप गेट पोस्ट कुछ भी दे सकते हो। सबसे पहले हम बनाएंगे लेबल। ठीक है, लेबल में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले क्या था, अगर मान लो हम कोई भी फॉर्म बनाए तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास आएगा नेम। उसमें हम लिखेंगे कि अपने पास क्या शो होना चाहिए, एंटर नेम। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपन करने के लिए, लाइव सर्वर चलाने के लिए Alt+LO। ठीक है, ये हो गया अपना ओपन। एंटर नेम दिख रहा है, क्रिएट एन अकाउंट अपने पास ये ओपन है। ठीक है, हो गए। अब उसके बाद चलते हैं भाई, इसमें बनाते हैं अब अपना इनपुट डालते हैं। इनपुट में हम टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद नेम में आप कुछ भी दे सकते हो NM, और ID में भी कुछ भी दे सकते हो, लाइक हमने NM ही दे दिया। प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे आपका नाम, एंटर नेम, ताकि पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ पे आएगा क्या। VR कोड टैग लगाएंगे ताकि अपनी लाइन नीचे आ जाए। सेव करते हैं, Alt+Tab, जाते हैं अपने पेज पे। ठीक है, सही दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है। अब इसके बाद एक और लेबल, क्रिएट एन अकाउंट का हमें फॉर्म बनाना है तो ईमेल भी उसमें चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम बना देंगे लेबल फॉर ईमेल। यहाँ पे भी हम नाम में डाल देंगे ईमेल। अब उसके बाद फिर हम बनाएंगे इनपुट। इनपुट अब हमें बनाना पड़ेगा ईमेल के लिए, जब तक ईमेल नहीं डलेगी तब तक हम एंटर हो नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं ईमेल का, EML। नाम कुछ भी दे सकते हो भाई, जब जो कि आपको याद रहे। पीछे अगर PHP का कोड लिखना है तो कोई भी, जैसे कोड लिखना है तो NM में जो अपना, एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हम डालेंगे ना नेम, वो NM करके, नेम करके यहाँ पे जो भी आप नेम दोगे वहाँ पे, वो सब यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे आपके इसमें URL में। ठीक है, ID में भी हमने EML दे दी, और प्लेस होल्डर में दे देंगे ईमेल, एंटर योर ईमेल। ठीक है, एंटर ईमेल। अब देखते हैं कैसा बना अपना फॉर्म इतना। ठीक है, बना तो सही है, बाकी गैप थोड़ा देना पड़ेगा इसमें ज़्यादा, ताकि एक लाइन थोड़ी और नीचे आ जाए। हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है। ईमेल में भी हम यहाँ पे लगा देते हैं कोलोन, यहाँ पे भी BR टैग दो बार। अब अगला लेबल किस चीज़ के लिए बना सकते हैं हम, ये लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई। लेबल फॉर व्हाट, मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर डाल देंगे मोबाइल, यहाँ पे बस इतना ही लिख देते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है इसका। इसमें हम पूरा नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर। अब इसके बाद हम इनपुट में जाएंगे, इनपुट में हम नंबर देंगे इसमें, इसमें होगा कहीं ना कहीं नंबर, ये रहा नंबर। ठीक है, हम इसमें NUM शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, NUM। यहाँ पे भी BR टैग Alt+Tab, हाँ सही दिख रहा है, इतना भी सही है। मोबाइल नंबर हमने प्लेस होल्डर नहीं दिया, इसमें प्लेस होल्डर की कमी है यहाँ पे।
हम यहाँ पे मोबाइल डाल देते हैं। मोबाइल हमने लिख दिया, हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है। यहाँ पे भी हम थोड़ी सी हमें मिसिंग कुछ लग रहा था, ठीक है तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद फिर दोबारा लेबल पे जाएंगे, लेबल उसके बाद क्या डाल सकते हैं हम, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, डी ओ बी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद इनपुट फॉर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, या फिर हमें डेट टाइम टाइम डालना पड़ेगा, हमें शायद वहाँ पे डेट एंड टाइम ही डालना पड़ेगा जहाँ ये री डेट, ठीक है। यहाँ भी डी ओ बी डाल देते हैं, डी ओ बी, और अब शायद प्लेस होल्डर में लिखना है। यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे, प्लेस होल्डर में तो क्या ही लिखेंगे, यहाँ पे अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सही दिख रहा है ये। अब यहाँ पे लगाएंगे फिर दोबारा बी आर टैग दो बार, ताकि अपना जो फॉर्म है सही दिखे। उसके बाद हम लास्ट में हम क्या लगा सकते हैं, यही चाहिए होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। अब लगा देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड के लिए हमने बना दिया एक लेबल, यहाँ पे भी ठीक है इतना, डेट ऑफ बर्थ में हमने नहीं लगाया। अब अपना जाएगा इनपुट फॉर दी पासवर्ड, पासवर्ड के लिए अलग से हमारे पास होगा, और नेम में हम डाल देंगे PWD शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। छोटा सा फॉर्म बनेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म इतना ही होता है, देखते हैं कैसा बना है। हाँ सही दिख रहा है, इतना भी ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म इतना ही होता है। अब हमारे पास क्या बचा, बटन जो कि सेव करेंगे हमारे इनको, ठीक है। बी आर टैग इनपुट फॉर दी सबमिट, सबमिट में हम वैल्यूम लिख देंगे क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है इतना हो गया। क्रिएट एन अकाउंट का भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, और एक और बना देते हैं इनपुट कैंसिल करने के लिए, इनपुट फॉर दी सबमिट यहाँ पे डाल देंगे कैंसिल। ये लो भाई अपना फॉर्म बन के रेडी है। ये थोड़ा भाई लग नहीं रहा कि ये अपना क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म जैसा कुछ है, इसमें कुछ एक और टैग लगा देते हैं ताकि अपना एक फॉर्म जैसा दिखे कि हाँ ये एक फॉर्म है HTML की हेल्प से ही। एक यहाँ पे हाँ फील्ड सेट अपने पास एक टैग है, इसको यूज़ करेंगे हम ताकि अपना फॉर्म अच्छा दिखे। अच्छा दिखने के लिए तो हम बहुत सारे टैग यूज़ कर देंगे, और इसके अंदर फील्ड सेट आ गया अपना, फील्ड सेट से अपना एक बॉर्डर बन गया। और अब इसके बाद हमें एक और चीज़ लगानी है, और वो चीज़ है लेजेंड, लेजेंड लगाएंगे और H2 के अंदर क्रिएट एन अकाउंट लिख देंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है। ये लो भैया अपना फॉर्म बन के रेडी है, ठीक है, ओनली विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML ना हमने, हम इसमें कोई CSS यूज की ना JavaScript, ठीक है। अभी हमने ओनली HTML से एक फॉर्म बनाया है अपनी तरफ से। आप इसमें कुछ भी टैग वगैरह कुछ भी यूज़ करिए अपनी तरफ से, जो भी आप इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो दिखाइए, अपनी तरफ से बनाइए भाई, ठीक है। अपनी तरफ से इतना ही, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें जो भी चीज़ अच्छी लगी हो भाई। बाकी इसमें देखो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, फील्ड सेट के अंदर लेजेंड डाल दिया, लेजेंड के अंदर क्रिएट एन अकाउंट, उससे देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखते हैं कैसा दिखेगा अपना ये, भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और अगर हम इनको लगा देते हैं, भाई अब बहुत बढ़िया लग रहा है, अब दिख रहा है कि हाँ एक फॉर्म बना हुआ है क्रिएट एन अकाउंट का।
यहाँ पे अपना नाम डालोगे, हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर डाले थे ना, अगर हम यहाँ पे टैप करेंगे कुछ भी लिखेंगे तो वो हट जाएगा प्लेस होल्डर में हमने जो भी चीज़ लिखी थी। और डेट ऑफ बर्थ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ में अपने यहाँ पे कैलेंडर एक खुल के आ जाएगा, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हो, सारी चीज़ अपने यहाँ से डाल सकते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। पासवर्ड में अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ये हमें दिखाई देता डॉट डॉट की फॉर्म में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।